Assalamu alaikum, my name is Fatma Shamshad and I welcome you to Javed Publishers. In this video, we are going to learn a lesson from English 5 Plus, that is use of this and that. Let's have a look at the expected learning outcomes of today's lesson. By the end of this topic, children will begin to use this and that in sentences. प्यारे बच्चों, दिस हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे बहुत करीब हो या हमने हाथ में पकड़ी हो या बिल्कुल हमारे पास हो. एंड दैट इज़ यूज फॉर द थिंग्स दैट इज फार फ्रॉम अस, यानी कि हमसे बहुत दूर हैं, जो हम हाथ नहीं लगा सकते. जी तो प्यारे बच्चों, दिस करीब की चीज़ के लिए हुआ और दैट दूर की चीज़ के लिए हुआ. वी यूज दिस टू पॉइंट थिंग्स दैट आर नियर टू अस. वी यूज दैट टू पॉइंट द थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस. Let's read and write sentences with this and that. प्यारे बच्चों, जी पहली पिक्चर को जरा गौर से देखिए और मुझे बताएं कि एप्पल लड़के से करीब है कि दूर. जी एप्पल लड़के के करीब पड़ा है, यानी कि एप्पल इज नियर द बॉय. यस, सो वी विल यूज दिस इन दिस सेंटेंस. दिस इज एन एप्पल. शाबाश प्यारे बच्चों, अब आपने इस सेंटेंस को कॉपी करना है और दी गई जगह पे लिखना है. Now, our next picture is a boy. और आप जरा गौर से देखें कि एप्पल उसके करीब पड़ा है कि दूर पड़ा है. जी हाँ, वो बहुत दूर पड़ा है और लड़का उसको पॉइंट कर रहा है. जी सो द थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस, वी यूज दैट. जी तो अब हम ये सेंटेंस दैट से शुरू करेंगे. दैट इज एन एप्पल. प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि वो एक एप्पल है. दिस का मतलब होता है ये और दैट का मतलब है वो. जी तो प्यारे बच्चों, अब आपने सेंटेंस को कॉपी करना है और दी गई जगह पे लिखना है. जी प्यारे बच्चों, अवर नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ बॉय एंड ही हैज अ हैट. और हैट कहाँ पड़ी है? टेबल के ऊपर. अब आप मुझे बताएं कि जो कैप है वो लड़के के करीब है या दूर? जी हाँ, करीब पड़ी है. तो करीब की चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस. और दिस का मतलब है ये. सो दिस इज अ कैप. जी प्यारे बच्चों, आपने इस सेंटेंस को कॉपी करना है और दी गई जगह पे लिखना है. प्यारे बच्चों, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर एंड टेल मी कि जो आपके पास कैप है वो लड़के से करीब है कि दूर है. जी वो उसको पॉइंट कर रहा है और कैप उससे बहुत दूर पड़ी है. जी तो इट मीन्स कि द कैप इज फार फ्रॉम द बॉय. जी जो कैप है वो लड़के से बहुत दूर है. और दूर की चीज़ के लिए हम क्या यूज करते थे? दैट. और दैट का मतलब है वो. तो दैट इज अ कैप. तो प्यारे बच्चों, आपने इस सेंटेंस को कॉपी करना है और एग्जैक्टली नीचे दी गई जगह पे लिखना है. प्यारे बच्चों, अब आपको दिस एंड दैट से सेंटेंसेस बनाना तो आ गए होंगे और इनका फर्क भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी. Look at the given pictures and write this or that. प्यारे बच्चों, अब आपने pictures को गौर से देखना है और आपने जो sentence है this या that की मदद से मुकम्मल करना है. तो first picture is a boy और आप मुझे बताएं कि pen उसके करीब है कि दूर? जी हाँ, करीब पड़ा है. तो फिर we are going to use this is a pen. Yes. Now, next picture is of a boy and you have to tell me कि goat जो है वो boy से करीब है कि दूर? जी हाँ, द गोट इज फार फ्रॉम द बॉय. तो हम फार की चीज़ों के लिए क्या यूज करते हैं? दैट. तो इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे दैट. दैट इज अ गोट. प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट पिक्चर को जरा गौर से देखिए और मुझे बताएं कि बॉय जो है और ईगल में कितना फासला है, ये करीब है या दूर? यस, द बॉय इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स एन ईगल. तो ईगल है वो उससे बहुत दूर है. सो द ईगल इज फार फ्रॉम द बॉय. वी आर गोइंग टू यूज That. तो इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करने के लिए क्या यूज करेंगे? That. That is an eagle. प्यारे बच्चों, have a look at the next picture. तो जो बैग है वो लड़के के करीब है कि दूर? Yes, the bag is near to the boy. So we will use this. This is a bag. Look at the next picture. Dear students, focus whether the lamp is far from the child or near to the child. जी जो लैम्प है वो लड़के के करीब पड़ा है. So we are going to use this. This is a lamb. प्यारे बच्चों, अब अंडे को देखें. अंडे को इंग्लिश में एग कहते हैं. Have a look at the picture and tell me whether the egg is near to the child or far from the child. जी हाँ, it is far from the child. और far की चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? That. That is an egg. उसी तरह owl,
आओ लड़के के करीब है कि दूर? जी हाँ दूर. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट. दैट इज एन आउल. अब डक देखें प्यारे बच्चों. नेक्स्ट पिक्चर में जो डक है वो लड़के के करीब है. सो वी विल यूज दिस. दिस इज अ डक. प्यारे बच्चों जी अब चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ. रीड एंड राइट द सेंटेंसेस विद दिस इज एंड दैट इज. प्यारे बच्चों आपको पिक्चर्स दी गई हैं. आपने उन पिक्चर्स को रीड करना है और इन सेंटेंसेस को कॉपी करके दी गई जगह पे लिखना है. अब फर्स्ट पिक्चर इज अ बॉय एंड अ गर्ल. दिस इज अ बॉय. लड़की कह रही है ये एक लड़का है. दिस इज अ बॉय. नेक्स्ट पिक्चर इज अ बॉय इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल. दैट इज अ गर्ल. जी उसके बाद जो हमारी पिक्चर है लड़का जो है वो एक मैन की तरफ पॉइंट करके बता रहा है. दिस इज अ मैन. उसके बाद जो हमारी पिक्चर है उसमें लड़का दूर से बर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है. दैट इज अ बर्ड. इन द नेक्स्ट पिक्चर अ बॉय इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ ट्री. दैट इज नियर टू हिम. दिस इज अ ट्री. इन द नेक्स्ट पिक्चर अ बॉय इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स एन एप्पल. दैट इज फार फ्रॉम हिम. दैट इज एन एप्पल. उसके बाद जो पिक्चर है उसमें लड़का बिल्ली की तरफ पॉइंट कर रहा है यानी कि कैट. एंड कैट इज नियर टू हिम. सो दिस इज अ कैट. नाउ इन आवर लास्ट पिक्चर द बॉय इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ डॉग एंड डॉग इज फार फ्रॉम द बॉय. सो दैट इज अ डॉग. डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ.